राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 जुलाई को आतंकियों के हमले में जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हुए थे। इस हमले में आतंकियों की मदद करने वाले 2 ओवर ग्राउंड वर्कर को गुरुवार 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। दोनों ओवर ग्राउंड वर्कर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। दोनों आतंकियों को खाने पीने की चीजों के साथ ही वाईफाई मुहैया कराते थे ताकि आतंकी सीमा पर बैठे अपने हैंडलर से बातचीत कर सके। इन इलाकों के लोग आतंकियों की मदद करते थे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान लियाकत और राज के रूप में हुई है। 8 जुलाई के बाद से आतंकियों को ढूंढने के लिए पुलिस ने 100 लोगों से पूछताछ की थी। इस पूछताछ के आधार पर दोनों ओवर ग्राउंड वर्कर्स का पता चला था। 8 जुलाई को सुरक्षा बल के जवान 2 ट्रकों में कठुआ से करीब 123 किलोमीटर दूर लोहाई मल्हार ब्लॉक के माछेड़ी इलाके के बड़न नोटा में दोपहर 3:30 बजे पहाड़ी इलाके में पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। रास्ता कच्चा था, गाड़ी की रफ्तार भी धीमी थी। एक तरफ ऊंची पहाड़ी और दूसरी तरफ खाई थी। आतंकियों ने पहाड़ी से घात लगाकर सेना के ट्रक पर पहले ग्रेनेड फेंका, फिर स्नाइपर गन से फायरिंग की थी। सेना ने भी काउंटर फायरिंग की, लेकिन आतंकी जंगल में भाग गए। हमले में 3 से 4 आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आई थी। वे एडवांस हथियारों से लैस थे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।